साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अश्योर्ड इंजेक्शन, जो कि ब्यूसेरिलिन का इंजेक्शन आता है। ये देखिए, ब्यूसेरिलिन इंजेक्शन आप पशुओं में कौन कौन से डिजीज में उपयोग कर सकते हैं, कैसे उपयोग करना है, आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात करते हैं पशुपालन से जुड़ी समस्याओं की। तो देखिए, पशुपालन से जुड़ी समस्या में से एक बहुत गंभीर समस्या है, पशु मालिक का जो पशु रहता है वो एक तो समय से हीट पे नहीं आ पाता है। पशु हमने देखे हैं कि कुछ पशु कई दिनों तक हीट पे नहीं आ पाते हैं, पशु मालिक की एक आम समस्या है। इसके बाद यदि पशु हीट पे आ जाता है तो वो ठहरता नहीं है, कई बार रिपीट हो जाता है। रिपीट की इतनी भयंकर समस्या है कि पशु मालिक परेशान है। आज हम इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन इस वीडियो में कर देंगे। यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आज से आपके पशुओं में न तो रिपीट की समस्या रहेगा और न हीट की रहेगी, पशु आपका पूरी तरीके से ठहर जाएगा। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। देखिए, हम आपको जो इंजेक्शन बता रहे हैं यह एक ओसोड नाम से आता है और ब्यूसेरिलिन का इंजेक्शन आता है। ये देखिए, इसमें से हम आपको निकाल के बता रहे हैं 2.5 ml का इंजेक्शन एम्पोल निकलता है, एक निडिल निकलती है और एक सिरिंज निकलती है। देखिए, इसका उपयोग आप जो पशु रिपीट होता है, बार बार ठहर नहीं रहा है, उसको कंसीव रेट बढ़ाने के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह एक ऐसा इंजेक्शन है जिसका कि आप प्रयोग करेंगे तो पशु रिपीट में नहीं होगा, रिपीट की जो समस्या रहती है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, कंसीव रेट बढ़ा देगा। तो आप उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग AI करवाने के बाद अगले दिन उस इंजेक्शन का प्रयोग करें, लगा दे। 2.5 ml का इंजेक्शन आता है, IM लगाना है, बिल्कुल आपका पशु कंसीव हो जाएगा और जो उसकी ऑर्गन्स की प्रॉब्लम रहती है, ओवरी सिस्ट ओवरी बन जाती है, उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जो पशु हीट में नहीं आ रहा है उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। लगभग पशु की जो रिपीट की समस्या रहती है वह हीट की समस्या रहती है, उन सारी समस्याओं में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। ये देखिए, हमने इस तरीके से सिरिंज में भरा है, 2.5 ml का इंजेक्शन है, आप इसका प्रयोग करके देखिए आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, इसके साथ में एक ये फायदा रहता है कि स्पीड सोप निकलती है, जिसका कि आप प्रयोग करेंगे तो पशुओं को जो शरीर पे जो कचरा रहता है, मेल रहता है, उसको ये हटा देगी, जिससे आप पशुओं में यदि इंजेक्शन लगाएंगे तो इंजेक्शन की गठान नहीं बनेगी और ना इंजेक्शन फेल होने का डर रहेगा। ये देखिए, हम पशुओं में इसका प्रयोग करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, हम सोप का प्रयोग कर रहे हैं, साफ हो जाएगा। ये देखिए, स्पीड सोप इसमें निकलती है। इस तरीके से आप इस सोप का प्रयोग कर लें जिससे कि इसका मेल कचरा गंदगी साफ हो जाए और पशुओं में इंजेक्शन पूरी तरीके से लग जाए। ये देखिए, हमने इसका प्रयोग IM किया है, हम इसमें IM लगा रहे हैं। यह इंजेक्शन IM लगाने से बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है, रिपीट की सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी, पशु कंसीव हो जाएगा। तो आप उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से हमने इसमें IM प्रयोग किया है। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।